हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो आज अंकिता अपने घर जा रही है और हॉस्टल छोड़ने का टाइम आ गया है। सब एक एक करके जा रही है। मोनिका भी चली गई थी और करिश्मा और मैं कल जाएंगे घर को। और अंकिता के पेरेंट्स आ चुके हैं अंकिता को लेने के लिए। और ये दोनों मेरे लिए आज किटकैट लेके आज भी आज तो मुझे इतने सारे किटकैट मिले ना कुछ दिनों से। दो ये निहारिका लाई, ये सानी लाई। मेरे पास कितने किटकैट हो गए, इतने सारे तो मेरे पास किटकैट हो गए हैं और मैंने इनको भी दे दिया है। अंकिता की चाची आ चुकी हैं और अंकिता का भाई भी आया है यहाँ पे। हार्दिक ये है, ये लो मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाई हूँ, चॉकलेट। ठीक है, कैसे हो? नमस्ते, एक बार खड़े हो जाओ। मेरे ब्लॉग देखते हो? नहीं नहीं, जो तो फिर किसके देखते हो? मैं, मेरे को जो सा ब्लॉग मिल जाए। अरे मेरे को मिलते ही नहीं कुछ। अंकिता बेचती नहीं होगी ना? ना मैं कभी कभी देखता हूँ। अच्छा, हाँ। और ये अंकिता की चाची जी और अंकिता का सामान भी पैक हो रहा है, करिश्मा का हो चुका है ये पूरा। कैसा लग रहा है हॉस्टल से जाते जाते? कैसा लगता है? गंदा मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज भी सब हमें विदा करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे। अंकिता की पैकिंग हो रही है अभी भी। बुक्स किसने रखे तूने? सबसे भारी बैग यही होगा जो उठा। इतना सारा सामान है कि बैग में चैन ही नहीं लग रहा है। ये भी डालेगी क्या? अंकिता मुझे किटकैट देके जा रही है। अंकिता के लिए आईफोन लाया है। जो ये क्या कर रहे हैं? ये है आईफोन। ये आईफोन 14 प्रो मैक्स बना के तो लाया है। बाप रे चार्जर जियो जियो ये फोन है फोन जियो अंकिता का गिफ्ट मस्त आईफोन है भाई साहब। तेरे से अच्छी ड्राइंग है मेरी, प्लीज ना मुझे दे दो ये आईफोन। गाइस माय न्यू फोन, और आप मेरे को इसी पे कॉल करना। हाँ वाला मुझे दे दो। जियो वाला चाहिए। तो घर से खाना बन के आया है अंकिता के घर से, पितौले। ये आंटी ने बनाए। हाँ, और आंटी बनाती है हमेशा पितौले, तभी मुझे टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैं मंगवाती हूँ हमेशा। ये बहुत ज्यादा है इस बार पितौले। ये है गरम कर लो ना उसमें। अरे नहीं नहीं, ठंडा भी टेस्टी लगेगा। कर लो गरम कर लो, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा गुनगुना। परोस रही है सबको, बट रहा है। कद्दू कटेगा सबको बटेगा। हाँ जाए, हाँ वही तो। पिंकी के लिए पैक हो रहा है। हाँ ये कब से रोती है पितौले पितौले करके पिंकी? तो हम ही खा देंगे। मैंने 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 बोला इसको मेरे नाम पे आ रहा, बोला दोबारा फोन करके आपको इतना परेशान किया। अंकी से बोल रही थी, अंकी से ये तो अंकिता का जो बिस्तर है वो भी पैक हो चुका है। अब जाने का टाइम आ गया है। अंकिता का ये भी रेडी हो चुकी है, सबसे गले मिल रही है। मत बनाना पिंकी, देखो रोने लगे। हिमांशु भी रो रही है। तो हमने पकड़ लिए बैग सबने, तो अब हम चलते हैं। चल फिर अंकिता। हिमांशी ने रोना स्टार्ट कर दिया है, सबको रुला के रखेगी आज। मत रो खाना। हाँ रुको, जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दीक्षिका का सामान है। आज दीक्षिका भी हॉस्टल छोड़ के जा रही है। और ये बागेश्वर, ये बागेश्वर को जा रहा है ये सामान। और ये सामान नानक मत्ता खटी माँ तो आ चुका है। और ये रही अंकिता की गाड़ी। भंडारी रो, अंकिता जा रही है। नाना मत्ता घूम के आना। अंकिता हो चुका है। बाय हरदीप, कब आएगा? मैं पता नहीं।
दीक्षिका भी जा रही है आज, तो दीक्षिका भी आ चुकी है अभी नीचे है। दीक्षिका को भी अलविदा करते हैं। दीक्षिका बाय, कब जा रहे हो, कितने बजे? हिमानी तुझे भी बाय मेरी ओर से। अरे तुम तीनों का जान, वो भी रोने लगी। हिमानी अंकिता की सबसे फर्स्ट दोस्त है जो पहले बनी थी, पहले से आखिरी तक वो साथ है। हाँ, पहले अकेले नाचते गाते थे, अब साथ नाचते गाते हैं। हाँ, बाय अंकिता, सारे अलविदा वाले। दीक्षिका की गाड़ी, अब दीक्षिका जाएगी इसमें, दीक्षिका का सामान भी जा रहा है, सबके सब आ रही है, सबसे मिल रही है जूनियर से। ओके बाय। चलो यार सब बाय बाय बोलो। जा रही है तुम लोग? ओह चलो फिर भाई, ठीक है।